मॉर्निंग क्लास 12th, आपका टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चल रहा है आपका, उसी में हम आज आगे आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने चेंज करा है जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। ये बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 65 है, TS ग्रेवाल, पेज नंबर 5.95, एडिशन 2020। बच्चों, जो इस साल आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो इस क्वेश्चन के अंदर थी, और ये 2018 कंपार्टमेंट में आया था दिल्ली रीजन के अंदर, लेकिन हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपकी है नहीं, तो क्वेश्चन के अंदर हमने कैपिटल यहाँ पर गिवन कर दी। तो क्वेश्चन आपको अगर आप बुक से चेक करोगे तो ये चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, अभीर और देवा दो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है, और ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है जहाँ आपको ये सब चीज़ें दे रखी हैं, आपकी क्रेडिटर्स, EPF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल ऑफ अभीर एंड दिव्या। नाउ इधर एसेट्स साइड में कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ दे रखी है, और इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, यानी इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर ट्रीटमेंट है। इस क्वेश्चन को कराने का रीज़न है कि आपको इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट, जो हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर, उसको क्वेश्चन के साथ किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे वो इसमें आप सीखोगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, देखिए नीचे की जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी की वैल्यू को जो बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देख रखें, पहली एडजस्टमेंट दे रखिए, विभोर ब्रिंग 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी ये ट्रीटमेंट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रीट करनी है, तो इसका रिवैल्यूएशन के अंदर नहीं आएगी। तो जो आपकी बी एडजस्टमेंट है स्टॉक की, वो एडजस्टमेंट आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेट कर रही है। देखिए किस तरीके से, क्योंकि स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक आपका एसेट है और वो आपका शो कर रखा है ओवर वैल्यूड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, आप इस चीज़ को चाहे नोट करके ले लीजिए कि जब आपको ओवर वैल्यूड दे रखी होगी कंडीशन, एसेट के साथ ओवर वैल्यूड दे रखी होगी, तो आप उसको ट्रीट करोगे डिक्रीज इन एसेट की तरह से। इसको चाहे याद कर लो चाहे कैसे कर लो, ठीक है। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और ओवर वैल्यूड वाला। और जब आपको अंडर वैल्यूड दे रखी होगी तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तब आप उसको करोगे इंक्रीज इन एसेट की तरह से, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए, लेकिन ये इस तरीके से ट्रीट हो गई। तो अंडर ओवर वैल्यूड का मतलब ज़्यादा दिखा रखी है उसे मैं कम करना है, यानी स्टॉक आपके एसेट हैं उसको मैं ट्रीट करना है ओवर वैल्यूड को, डिक्रीज इन एसेट की तरह से। डिक्रीज इन एसेट्स आता है हमारा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो टू स्टॉक, अमाउंट यहाँ बाय से दे रखा है तो हमें सीधे यहाँ डाल देंगे 20,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, ये है आपकी डेटर्स की एडजस्टमेंट। और देखिए इसमें डेटर की एडजस्टमेंट क्या कहा गया, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी एक डेटर था जिसको हमने उधार दे रखा, जिसके पास हमारे 5,000 रुपये मर चुके थे। बैड डेट्स का मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी अभी हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं कि शायद हमारा कुछ पैसा मर जाए बाहर मार्केट के अंदर, लेकिन बैड डेट्स की कंडीशन नहीं होती है कि बैड डेट्स, खाली अगर प्रोविजन ना है बैड डेट्स है तो यानी वो पैसा मर चुका है। तो यहाँ जो बात करी गई है कि एक डेटर था जिसके पास 5,000 रुपये का हमारा बैड जो डेट था वो हमारा मर चुका था, यानी पैसा हमारा मर चुका था, और उसमें से 4,000 रुपये हमारे वापस आ रहे हैं, यानी मरा हुआ पैसा हमारा वापस मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बैड डेट रिकवर। और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक एसेट की तरह ट्रीट होता है हमारा, इंक्रीज इन एसेट की तरह से, बाय बैड डेट रिकवर, यानी हमारा मरा हुआ पैसा वापस आ गया एक तरह, कितने रुपये से, 4,000 रुपये से, ठीक है बच्चों। नाउ अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ये वाली, 2 मंथ सैलरी एट द रेट 6,000 पर मंथ आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ नहीं है कुछ भी इससे रिलेटेड आपका, तो यहाँ दे रखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सबसे पहले हम ध्यान रखें सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, तो 6,000 रुपये एक महीने के बोल रखिए, तो 2 महीने के कितने हो गए, 12,000, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना कि पार्टनर्स के लिए भी आप करो,
यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि पार्टनर की एक ही है, अभीर की है, दिव्या की, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। बस टोटल उन्होंने बता रहा कि 6,000 पर मंथ की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि चलो जी पार्टनर से भी दो हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सिर्फ आपको दो महीने की है, हर महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 6,000 रुपये, इससे से हमने दो से मल्टीप्लाई करा 12,000 हो गए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी होती है लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी तरह से हमने उसको ट्रीट कर दिया है, यह क्या 12,000 रुपये। नाउ अब कोई भी हमारी ट्रीटमेंट नहीं है जो रिवैल्यूएशन से रिलेट कर रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किया तो इधर का टोटल आया 32,000 और इधर ही 4,000 है, तो यहाँ भी 32,000 ही लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस, यानी जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आएगी और हमें से क्रेडिट साइड में बैलेंस कर रहे होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो उसको लॉस से बैलेंस करेंगे, लॉस आएगा 28,000, ठीक है। और ये 28,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभीर और दिव्या के अंदर, ठीक है। 28,000 को 3:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखिए 28,000 है अभीर का, तो 28,000 3/4 इसको डिवाइड करा तो ये हो गया 21,000, यानी 4 7 जा 28 7 3 जा 21, एंड आपका दिव्या का देखिए 28,000 है, और इसको 1/4 से करेंगे तो 4 से इसको करा तो 7,000 आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसको हमने यहाँ डाल दिया 21,000 है 7,000, क्यों हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अभिज दिव्या एंड थर्ड पार्टनर इज विभोर, ये हमारा न्यू पार्टनर है विभोर, अभीर दिव्या एंड लास्ट इज विभोर, ये हमारे तीनों पार्टनर हैं, हमने पोस्ट कर दिए। चलिए तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करते हैं बेटा, कहाँ से करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल के साथ, उसको लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी, और ये हो गया आपका 6,00,000 और ये हो गया आपका 4,00,000, ठीक है बच्चों। ना उसके बाद हम देखेंगे नया पार्टनर है विभोर, विभोर लेके आया 2,00,000 रुपये, यानी 2,00,000 रुपीज़ एज इस शेयर ऑफ कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट 2,00,000 रुपीज़ विभोर के अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आगे इस स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रही है, फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी 80,000 रुपये वो गुडविल के लगा रहा है, यानी हिज शेयर ऑफ गुडविल बोला हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है कि फर्म की गुडविल बोला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, और ओल्ड रेशियो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएंगे, यानी इसी रेशियो को हम क्या बोल देंगे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो बोल देंगे, और गुडविल को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, बाय प्रीमियम ऑन गुडविल, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट। अभीर और दिव्या दोनों को मिली है 80,000 गुडविल है, और अभीर का शेयर हुआ 3/4 और दिव्या का हुआ 1/4, यानी 4 2 जा 8, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 60,000 हो गई, इसी तरीके से यहाँ इसको करा तो 20,000 हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई गुडविल प्रीमियम ऑन गुडविल, यानी 20,000 तो हम डालेंगे अभीर के अंदर अकाउंट के अंदर, सॉरी 60,000, एंड 20,000 डालेंगे हम दिव्या के अकाउंट में, ठीक है। ये हो गई हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट। इसके बाद जो जितनी ट्रीटमेंट्स थी वो हमने ट्रीट कर चुके हैं ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये पार्टनर कैपिटल में ट्रीट हुई, और ये हम सब इसके अंदर डाल चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस बात से शुरुआत करते हैं, क्रेडिटर्स नहीं आने, ईपीएफ नहीं आने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपको यहाँ दे रखा तो हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है कि एसेट साइड में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है, अगर नहीं है तो सीधे सीधे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी गिवन है, यहाँ ना देखकर एडजस्टमेंट उसके नीचे ही दे दिए मार्केट वैल्यू वाली,
तो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी 5 लाख रुपीज़ की, जो आपकी 5 लाख बुक वैल्यू थी, और उसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 4,40,000। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी पहले 5 लाख थी, ये इसकी बुक वैल्यू थी, ठीक है, उसके बाद 4,50,000 उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है, तो 60,000 से वो डिक्रीज़ हो गया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो हम इसको ट्रीट कहाँ कर चुके होते, रिवैल्यूशन अकाउंट के अंदर, डिक्रीज इन एसेट के नाम से। लेकिन आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको कितना गिवन है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है आपको यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का, और 1 लाख में से हम 60,000 को माइनस कर देंगे तो 40,000 अब भी हमारे पास बच जाएगा। अब ये बच जाएगा तो इसे बचे हुए 40,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आया आपका 40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा थी रेशियो 1 में, तो 30,000 एंड 10,000 बचो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद दे रखा हमें जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा 1,20,000 का। अब 1,20,000 का जनरल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, यानी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा हमने 1,20,000 को, तो ये हो गया है आपका 90,000 एंड 30,000, ठीक है बच्चों। सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1, यानी आभीर का शेयर हो गया 1,20,000 × 3/4, ठीक है। और उसका जो हो गया, देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपका जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी। तो देखिए जनरल रिजर्व जो है अभीर के 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3/4 से, तो ये हो गया 90,000। और दिव्या का जो होगा 1,20,000 × 1/4, ये हो गया आपका 30,000, ठीक है। ये मैंने जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट दिखाई है आपको। नाउ अब हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल डाल ही चुके हैं पहले, अब आ जाते हैं हम इधर की साइड। कैश का ट्रीटमेंट होगा नहीं यहाँ पे, डेटर्स का यहाँ मतलब नहीं, स्टॉक हम रिवैल्यूएशन में ट्रीट करते हैं, इसको हम खरीद चुके हैं। तो अब हमने सभी चीज़ इसके अंदर डाल ली है, तो अब इसका हमारा सिर्फ काम क्या बच जाता है, इसको बैलेंस करने का काम बच जाता है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं सभी साइड से टोटल करके। इसका आया विभोर का 2 लाख रुपीज़, यहाँ देखती है अभीर का 6,60,000, 6,90,000 एंड 7,80,000। नाउ अब दिव्या 4,20,000, 30,000, 4,60,000, ये आपकी आ गई है, ठीक। और इधर की साइड हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं आया है, तो हम इसको ईजिली, सॉरी एक चीज़ हमारी रह गई है अभी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ क्या है, लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो हम इधर डालते थे, लॉस किधर आएगा हमारा, इधर, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये कितना आया हमारा 21,000 एंड 7,000, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया यहाँ पर। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, 7,80,000 है अभीर का, और उसमें से हम 21,000 अभीर के माइनस कर देंगे जो यहाँ है, तो इसका बैलेंसिंग करने के लिए आएगा 7,80,000 में से 21,000 माइनस करते तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। तो देखिए 7,80,000 में से हमने 21,000 माइनस करे तो ये हो गया 7,59,000, और इधर देखिए 4,60,000 है दिव्या की, उसमें से हमने 7,000 माइनस करे तो ये आ गया 4,53,000। और यहाँ विभोर के में कुछ भी नहीं है, तो सीधे के सीधे 2 लाख ही उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक क्वेश्चन हमने कराया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 65 TS ग्रेवाल का, पेज नंबर 5.95। बस इसमें हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया थे, कुछ चीज़ें चेंज करी थी, तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो था कंपार्टमेंट में आया हुआ था CBSE बोर्ड की दिल्ली रीजन 2018 के अंदर, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपका यहाँ जो कैपिटल जो दे रखी है ये मैंने अमेंडमेंट किया है, क्योंकि इस साल आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, और उस क्वेश्चन के अंदर ही आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गिवन थी बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो ट्रीटमेंट सीखी हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की हमने अप्लाई कराया है यहाँ पर इसको, ठीक है, और एक बैड डेप्ट रिकवर की, ये आपके लिए नई थी, अभी तक क्वेश्चन हमने करी नहीं है, तो बैड डेप्ट रिकवर की एडजस्टमेंट हो गई थी, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की, ठीक है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट आपके, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, बाकी हम आगे की वीडियोज़ के अंदर आपके साथ आएंगे आगे के क्वेश्चन के साथ।